It is indeed a matter of great opportunity for me to have an interaction with you. Today I had come to show my solidarity with the fight which the Telangana State BJP is fighting for the people and for the employees of Telangana State. आज मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तेलंगाना राज्य एम्प्लॉयज के लिए और लोगों के लिए जो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ रहा है उसको समर्थन देने के लिए मैं आया था, लेकिन मुझे एयरपोर्ट पर ही जॉइंट कमिश्नर पुलिस मिस्टर कार्तिके उन्होंने मुझे बताया कि यहां गवर्नमेंट ऑर्डर है कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो करना, इसलिए आपको मैं ये बताने आया हूं कि कोरोना नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। मैंने उस समय उनसे कहा कि मैं कोरोना के सभी नॉर्म्स को फॉलो करूंगा और फॉलो करते हुए गांधी जी की मूर्ति पर जाकर फूल अर्चना करूंगा और प्रजातंत्र को ताकत मिले इसकी प्रार्थना करूंगा और इसके साथ साथ अपने तरफ से हम सारे नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। The situation of the government was exposed at that point of time when I said, now do I have the permission? He said, I don't know. That means that the administration was only bent upon stopping me. But they did not have the answer when I told them that I will go within the norms, and then they said, "Iska permission mere paas nahi hai. You are the best judge." Khair, I am a person, and my party is a disciplined party. We went there. Mahatma Gandhi ji ke aage humne phool archana arpit ki, aur unse humne shakti bhi li aur प्रार्थना भी की, लेकिन ये सारे प्रोसेस में कोरोना को किस तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया यह यहां पर भलीभांति दिखता है। और मैं वहां जनसभा कर सकता था, लेकिन मैंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और मैंने सोचा कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को कहूं, और इसलिए आपको ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी फॉर द मीडिया ब्रीफिंग एंड यू हैव कम। आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ यू। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, केसीआर के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गैर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। इट इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक government which is functioning. It is the last 2 days, whatever has happened, it is a murder of democracy. ये प्रजातंत्र की हत्या है जो पिछले 2 दिनों में घटनाएं घटी हैं, और एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है, और यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई डायनेस्टिक रूल यहां पर चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, जिसकी सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी और अंतिम समय तक लड़ेगी, जब तक कि हम इस वंशवाद की सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को
एंटी डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से, तब तक ही हम लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं जो संजय बंडी जी के साथ हुआ। सबसे पहले आप सब लोग घटना जानते हैं, ये जो जियो ऑर्डर है 317, ये एंटी एम्प्लॉय है, ये एंटी पीपल है, और बीइंग इन ऑपोजिशन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय अवर पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड फाइट फॉर द कॉज ऑफ पीपल। हम विपक्ष के होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जनता की और कर्मचारियों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ें, और टीचर्स की इंप्लॉयज यानी टीचर्स भी, बाकी लोगों के साथ भी जो ये जी ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है। अब शांतिप्रिय ढंग से हम अपनी वॉइस को रख रहे थे। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कोरोना, वैसे इनके मिनिस्टर्स हर जगह जनसभाएं भी कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं और तो और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उन सब के लिए इनको छूट है। लेकिन ये जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की तो उसको रोकने का प्रयास होता है। संजय बंडी ने उस दिन शांतिप्रिय ढंग से धरना देने का तय किया था। इन्होंने कोरोना जियो रूल्स दिखाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय बंडी ने अपने एमपी वाले कार्यालय में रात का जागरण रखा और जागरण शांतिप्रिय ढंग से रखा, और पुलिस ने पहले वहां इंप्लॉयज को टीचर्स को आने से रोका, अरेस्टिंग की, और संजय बंडी जी के यहां उनके ऑफिस में जाकर गैस कटर से लेकर के स्टील के रॉड्स को और कोलेप्सिबल डोर्स को और बाकी दरवाजों को काटा। काटने के बाद अंदर घुसे, घुसने के बाद अश्रु गैस अंदर डाला, पहले वाटर कैनन चलाया और फिर संजय बंडी को मैन हैंडल करते हुए और कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करते हुए संजय बंडी को अरेस्ट किया। ये अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स का जीता जागता तस्वीर है। आई एम अशेम्ड टू से दैट वी आर इन 21st सेंचुरी, रूल ऑफ लॉ में एक ऑटोक्रेटिक केसीआर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मेरा ये चार्ज भी है कि केसीआर बौखला गए हैं, केसीआर ने अपना आपा खो लिया, ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, और ये तब हुआ है जब दुबाका में धमाका हुआ है और हुजूराबाद में हुजूर को फटका लगा है, इसने इनका मेंटल बैलेंस खो दिया है। ही हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ प्रोपोर्शन द वे ही इज बिहेविंग। अभी मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, आपके यहां धरना चौक पर धरना देना बंद हो गया बाय गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड हाई कोर्ट हैड टू इंटरवीन एंड फर्स्ट टू टेक द अपॉर्चुनिटी वॉज केसीआर हिमसेल्फ एज चीफ मिनिस्टर सिटिंग ऑन धरना। क्या ये कैसा प्रदेश है, किस टाइप के नॉर्म्स को लेकर के लोग काम कर रहे हैं? तो यह प्रश्न, इसको जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम बिल्कुल पहुंचाएंगे, उसको हम करेंगे। ये हाई हैंडेडनेस और ये हाई हैंडेड जो एटीट्यूड है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक करप्शन का सवाल है, मैंने 2 साल पहले भी आकर के कहा था कि दिस स्टेट इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स एंड ऑल अंडर द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। मैंने पहले भी कालेश्वरम के बारे में बातचीत की थी, कालेश्वरम हैज बिकम एन एटीएम फॉर केसीआर। हमारे हिंदी में कहते हैं कि ये दूध देने वाली गाय हो गई है। द ओरिजिनल प्रोजेक्ट वॉज ऑफ 36,000 करोड़,
Now the project is 1,20,000 crores and the water has reached only his farmhouse and to none others. This is the situation. If I talk about Palamuru Rangareddy, inauguration ho gaya, paise lag gaye, ek drop water nahi pahuncha hai. This is the situation. Mission Bhagirathi. पैसा लग चुका है, एक ड्रॉप वाटर नहीं पहुंचा है. दिस इज द स्टेट ऑफ करप्शन, ऑफ हाइट ऑफ करप्शन ऑफ केसीआर गवर्नमेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, बट दिस इज द मोस्ट करप्ट स्टेट एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मिनिस्टर हु इज वर्किंग. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. एज फार एज डायनेस्टिक रूल इज कंसर्न, बेटा बेटी भांजा अभी पोता तैयार नहीं है, लेकिन हर एक तरीके से इट्स ए फैमिली रूल, इट्स ए डायनेस्टिक रूल एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी. ये प्रजातंत्र पर एक प्रश्न है और हम यह लड़ाई जनता को नीचे तक लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं. जहां तक हमारी लड़ाई है, मैंने पहले भी कहा था केसीआर साहब का जिस तरीके से उन्होंने संजय बंडी को अरेस्ट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि एंड दिस इज धर्म युद्धम. हम ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे. वी विल टेक ऑल लीगल रिकोर्स एंड वी विल टेक ऑल डेमोक्रेटिक थिंग्स, डेमोक्रेटिक मेथड्स. हम प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी को कितना भी रोको, हम रुकने वाले नहीं हैं. अगर हमारे संजय बंडी को अरेस्ट किया है तो हमारा डेली धरना भी चलेगा, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे. आज मैंने शुरू किया है, कल कोई और आएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं. जहां तक मैंने आपके साथ कहा कि राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, ये नेशनल पार्टी के तरीके के लिए केसीआर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसको, उसका पर्दाफाश करना, ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी है और प्रादेशिक जिम्मेवारी भी है जिसको हम निभा रहे हैं. मैंने तो कोरोना के सारे नॉर्म्स फॉलो किए एंड दैट इज व्हाई योर पुलिस कमिश्नर डिड नॉट हैव एनी आंसर. ही थॉट दैट आई विल टेक लॉ एंड ऑर्डर इन माय ओन हैंड्स. वी नो how to fight democratically and how to see that we do not overstep the laws, but at the same time hum pradatantrik tarike se ladte hain. Lekin aapne corona kaha to main hum aisa ye kahunga ki KCR corona to bahana hai, sahi mein to prajalu ko dabana hai. Aap dabane par lage ho, ye तेलंगाना की प्रजलू को आप दबा नहीं सकते, ये बहाना है कोरोना का. और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको एक छोटा सा सिर्फ आपकी मेमोरी को शार्पन करने के लिए थोड़ा सा मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा. आप जरा इसको भी देख लीजिए कि कोरोना की दुहाई देने वाले ఏమంటారంటే కరోనా వస్తే మాస్క్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, కరోనా వస్తేనే అధ్యక్ష ఇంతమంది కూర్చొని ఎంతమంది మనం అధ్యక్ష స్టాఫ్ మనం అంత కలిపి 100 రూపాయల మంది ఉంది, ఒక్కరికైనా మాస్క్ ఉన్నదా? ఎక్కడ మనం చచ్చిపోతాం మరి ఏ ఒక్క ఆరోగ్య మంత్రి గారు వచ్చారు దేవుదేవ వారికి కూడా మాస్క్ లేదు, మరి డాక్టర్లు ఎందుకంటే అందరికన్నా ముందు ఆయనకే కట్టాలి ఉంటే అవసరం ఉంటే. ఇంతమంది లేనటువంటి మాస్క్ పెట్టుకుంది, ఈ మాస్క్ ఎందుకు అవసరం? అసలు కరోనా మన రాష్ట్రంలో రాలేదు అధ్యక్ష, అది మన రాష్ట్రంలో పుట్టిన జబ్బు కాదు, ఎక్కడో చైనా దేశాలు పుట్టి తలబెట్టింది. అయితే ఈ ప్రయాణాలు చేస్తారు కాబట్టి, ఇప్పుడు విమానాలు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి, ఓడలు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి చేస్తారు కాబట్టి, ఆర్కేలు ఏమైనా వచ్చేది ఉంది, ఆర్కేలు కాదు ఆర్కేలు ఇంకొక ఆర్కేలు ఏమైనా వస్తే వాళ్ళతోనే అన్ను ఇన్నో వస్తూ ఉంది దేశంలో.
అది ఇంత పెద్ద 130 కోట్ల మంది భారతదేశం ఇప్పటివరకు వచ్చిన 30-35 మందికే ఎంతమంది 31 మందికి వచ్చిందరు ఇంత పెద్ద దేశం అలా ఒక్కడు సన్యాసి దరిద్రుడు మన దగ్గరికి వచ్చి కలవచ్చు ఆరు డైరెక్ట్ మన దగ్గర రాలే చైనాకి వెళ్ళి దుబాయ్ పోయి కలవెట్టిన దుబాయ్ నుంచి బెంగళూరు పోయింది బెంగళూరు కలిపి హైదరాబాద్కి వచ్చి రాగానే మన ఈటల రాజేంద్ర గారు దొరకబట్టి దొరకబట్టిన గాంధీనగర్ స్పెషల్ వాడబెట్టి అలా పడేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను రాత్రి కూడా వహించాడు ఏం ఆయన కూడా మంచిగా ఇస్తాను భక్తుడు అది చచ్చిపోయే పరిస్థితి లేదు ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సింగల్ మనిషికి కరోనా వ్యాధి రాలేదు రాలేదు భగవంతుడు మాకు ఎంత శక్తి ఇచ్చిండో అవసరం तो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो कोरोना तो बहाना है, प्रजलू को दबाना है, और हम ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, बट ये लड़ाई प्रजातांत्रिक तरीके से अंतिम निर्णायक मोड़ तक, डिसाइसिव एंड तक लड़ी जाएगी। और वी विल एक्सपोज केसीआर, वी विल एक्सपोज हिज करप्ट प्रैक्टिसेस, वी विल एक्सपोज, और आने वाले समय में दुबाके जैसे धमाके भी होंगे और हुजूराबाद जैसे हुजूर को फटका भी लगेगा। जीएचएमसी आपके सामने है, एक पर एक हमको आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी विथ ए मिशन, एंड वी विल गो अहेड विथ अवर मिशन, दैट इज व्हाट आई हैव टू से। मैंने मित्रों अपनी बात यहीं समाप्त की है। मैं वहाँ जनसभा में नॉर्म्स को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ भाषण नहीं दिया, विच आई हैव प्रॉमिस्ड टू मिस्टर द जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर कार्तिके, लेकिन जॉइंट कमिश्नर, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। और आप सब के माध्यम से तेलंगाना की जनता से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप इस लड़ाई में, एम्प्लॉयज़ की लड़ाई में, टीचर्स की लड़ाई में, जनता की लड़ाई में आप आशीर्वाद दीजिए। और ये जो ऑटोक्रेटिक GOI 317 निकला है, इसको वापस लेने तक हम लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिस विल कंटिन्यू ऑन डे टू डे बेसिस। टुमारो somebody else इज गोइंग टू कम, डे आफ्टर टुमारो somebody else इज गोइंग टू कम। हम ये धरना चालू रखेंगे और हम इस बात को लड़ाई लड़ते रहेंगे। संजय बंडी को अरेस्ट करना अनडेमोक्रेटिक है, किसी नॉर्म्स के तहत नहीं आता है। जिस तरीके से किया गया वह प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चोट है, और उसकी भी लड़ाई हम लीगली ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर के सब जगह लड़े। किन से हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अदर प्रोग्राम्स भी हैं, उसके साथ हम उसको एसिमिलेट करेंगे। सर, एक आरोपण है कांग्रेस सर, आपके अधिकार है सेंट्रल में, क्यों विचार नहीं कर रहे इसके? भला ये दिखता है दोनों के बीच में दोस्ती है, ऐसा है। कांग्रेस का ये काम है न खुद काम करना न किसी को करने देना, और दिशा को भ्रमित करना। हम दिशा जानते हैं, डायरेक्शन जानते हैं, KCR से लड़ेगी तो BJP ही लड़ेगी और सफल होगी। किसके बारे में? हाँ हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लोकसभा स्पीकर विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली एज पर नाउ। दिल्ली बीजेपी, यू सी दैट इज हिज स्ट्रैटेजी, बट आवर लीडर्स आर नॉट, दे आर वेरी मेच्योर लीडर्स, एंड दैट इज वाई यू कैन सी दैट डेली न्यू वेरी पीपल हु आर ग्राउंड, हु हैव गॉट स्ट्रॉन्ग बेस,
दे आर ज्वाइनिंग बीजेपी एंड दिस इज बीइंग डन बाय द मैच्योर लीडर्स ऑफ बीजेपी ओनली एंड दैट इज व्हाई द बीजेपी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. About KCR. See, today I would like to focus on KCR. When I go to Delhi, I'll talk to KJ about KJ.